हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। बच्चों शुरू करते हैं आज की टॉपिक। आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे या कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कि गुलाम के नियम पर बेस्ड है। गुलाम के नियम को हमने पहले वाले वीडियो में समझाया है कि गुलाम का नियम क्या था। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, तब जाकर के इसका सेकंड पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बच्चों, कूलाम ने दो चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में एक रूल बताया था कि सपोज दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × Q1 Q2 / r2। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है, ये एक कांस्टेंट भी है, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी या फ्री स्पेस है, निर्वात की वैद्युतशीलता इसको कहते हैं, और निर्वात की वैद्युतशीलता का मान होता है 8.85 × 10⁻²⁰ कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतनी होती है। बच्चों यहाँ पर एक टर्म जो के आया है, इस के को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मेटल्स के लिए इंफिनिटी होती है, एयर या फ्री स्पेस के लिए 1 होती है, और दूसरे मटेरियल्स के लिए 1 और इंफिनिटी के बीच में होती है। तो ये हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और इस पे हमने और भी कई चीजें, वेक्टर फार्मा, कूलाम सला, ये दूसरी चीजें समझाया है। आज हम लोग केवल इस फार्मूले पर, जो कूलाम का नियम है, इस फार्मूले पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे लगाना है। आइए शुरू करते हैं बच्चों। ये न्यूमेरिकल में हम लोग बहुत बेसिक बेसिक बातें करने वाले हैं इस वीडियो में, कूलाम के नियम पर आधारित बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस, तो वहाँ पे हम लोग कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, नीट जेई बोर्ड लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इसमें भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो पहले हम लोग एक आइडिया लेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे लगाने हैं कूलाम के नियम। थोड़ा सा पहले बेसिक से समझते हैं ताकि बेस हमारा स्ट्रांग। आज ये लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मान लीजिए कि कहा गया कि कोई दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1, इसकी वैल्यू है 2 μC, और एक दूसरा चार्ज है Q2, इसकी वैल्यू है 6 μC। ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। का दिया गया फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स आपको फाइंड करना है, इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है। और चूंकि दोनों सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के मीन्स ये 2 μC 6 μC दोनों प्लस वाले चार्ज हैं, तो दोनों के बीच रिपल्सन का फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक चीज अभी से क्लियर कर दूं कि अगर दो चार्ज हैं +Q1 और +Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q1 Q2 / r2। अगर यहीं पर एक चार्ज -Q और एक चार्ज +Q और दोनों Q1 Q2 और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स 1/4 पाई, ये फोर्स होगा या फिजिकल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q1 Q2 / r2। मतलब जो फार्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वही फार्मूला यहाँ पर भी यूज करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कूलाम का नियम, जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर निगेटिव साइन क्यों नहीं लिया गया, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं कि दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का परिमाण कितना है, कितना फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब जिसमें डायरेक्शन होगी नहीं, और जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड में केवल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब मात्रा, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, तो ये एक
मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी है फोर्स की, इतनी मात्रा में फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। तो बच्चों जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होता है, इसलिए हम यहाँ पर केवल जब भी दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो चाहे दोनों चार्ज प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, अथवा प्लस माइनस हो, सबके लिए सेम फार्मूला रहेगा। उसमें आपको चार्ज को विथ साइन नहीं लिखना है, क्लियर हो गया? चार्ज को विथ साइन नहीं लिखना, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। जब हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछा जाता, फिर हम प्लस और माइनस साइन के साथ लिखते, जैसा कि हमने इसके पहले वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था। फर्स्ट वीडियो में वेक्टर फॉर्म आपको लाम चला, उसमें बताया गया कि कैसे पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो केवल मैग्नीट्यूड निकालना, इसलिए चार्ज को विथ साइन नहीं लेना है। क्लियर हो गया? गुड। आ जाइए अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, दो चार्ज हैं, एक की वैल्यू प्लस टू माइक्रो कूलम, दूसरे की प्लस सिक्स माइक्रो कूलम, एक दूसरे से एक मीटर की डिस्टेंस पर है। आगे इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू फाइंड करो। तो हम लोग फार्मूला, अच्छा ये मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग ये चाहे दिया हो, अगर हमको ये नहीं बताया है कि किस मीडियम में रखे गए हैं चार्ज, तो हम लोग हमेशा अपने से ये कंसीडर कर लेंगे कि जो मीडियम है वो या तो एयर है, और या फिर मीडियम है ही नहीं, वो फ्री स्पेस की बात हो रही है। ठीक है, अगर हमको मीडियम नहीं दिया है कि चार्ज कहाँ रखे गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग मीडियम को या तो एयर कंसीडर करेंगे, या फिर मीडियम लेंगे ही नहीं, बोल देंगे कि फ्री स्पेस में फोर्स पूछा जा रहा है। दैट मीन्स उस समय हमेशा के की वैल्यू वन लेना है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट वन रहेगा। क्लियर हुआ? ओके, हाँ जी, ये फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। ये बराबर 1/4πε0 इनटू के की वैल्यू 1 हो गई, q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर वैल्यू पुट अप कर लीजिए। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इनटू q1 दो माइक्रो कूलाम है, कूलाम में बदल दीजिए, 2×10⁻³ q2 का मान 6×10⁻³ भी माइक्रो कूलाम में, कूलाम में बदल देंगे 10⁻³ / r की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1। बच्चों 10⁻⁶, 10⁻⁶, 6×6 = 12 और ये 9 पूरा कैंसिल हो गया, 10⁻³ हो गया, 6×2 = 12, 12×9 = 108 × 10³, इससे गुणा कर देंगे तो 0.108 इतने न्यूटन, ये आ गया फोर्स की वैल्यू। तो दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू इतनी। क्लियर हो गया? ओके, आ जाइए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन नंबर टू है बच्चों, हमसे ये चीज कहा गया है कि दो गोले हैं, सपोज ये गोले ए है, ये है गोला बी, दोनों गोलों को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ने के बाद गोले ए से गोले बी पर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, ए से बी पर कुछ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, और फिर रगड़ने के बाद दोनों गोलों को ए और बी को परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया। कहा दिया गया कि अगर रगड़ने के बाद जब इनको 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है, उस समय इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो है 10⁻⁴ न्यूटन का। तो बताइए ए से बी पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ए से बी पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए ए से बी पर, फ्रॉम ए टू बी, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको समझा पाया हूँ, एक बार फिर से समझते हैं। दो गोले हैं ए और बी, दोनों को परस्पर रगड़ा जाता है, रगड़ने के बाद ए से बी पर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर होने के बाद रगड़ने के बाद दोनों गोलों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया। अब वो दोनों गोले एक दूसरे को 10⁻⁴ न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। कहा दिया गया बताइए ए से बी पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ये आपको फाइंड करना है। तो ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। बच्चा हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में ये समझाया कि अगर
ए से बी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, दो गोलों को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो दोनों पर चार्ज की क्वांटिटी सेम आती है। अगर इस पर से सपोज यन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया उस पर प्लस एन ई चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गया उस पर माइनस एन ई चार्ज। तो ये हो गई वैल्यू क्यू वन की और ये हो गई वैल्यू क्यू टू की। क्यू वन क्यू टू मिल गया, आर मिल गया, एफ मिल गया, बस केवल फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट अप करिए, एफ की वैल्यू 10^-4, इसकी 9 × 10^9 इंटू क्यू वन क्यू टू का गुणा करेंगे तो एन ई गुणे एन ई, एन का एन में गुणा कर दिया एन स्क्वायर, इंटू ई का ई में कर दिया ई स्क्वायर। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10^-19 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 2.56 × 10^-38 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, या मैं इसको लिख सकता हूं 2×10^2 मीटर, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4×10^4 कितने वर्ग मीटर। ये हो गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल होगी 10^-34। अब ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल होगी 10^-30। गुड। 10^9 से ये कैंसिल होगा, 10^9 से ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी, तो ये आ जाएगी हमारी 10^-21। 4 इधर भाग में है, या इसको भी इससे डिवाइड कर सकते हैं। इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4×1=4, 4×1=4, 4×6=24 और 4×6=16, 4×6=16, 4×6=24=25। ओके, तो ये हो गया इधर बचा 1, इधर 9×n² फिर × 0.64 फिर × 10^-21। -21 को इधर लेकर के आइए, +21 होगा, तो 10^21 बराबर 9×0.64×n², तो n स्क्वायर बराबर, ये वाली संख्या इधर भाग में कर दीजिए, 10^21/9×0.64। n बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10^21/9×0.64, कितना हो गया n बराबर। अब ये हो गया बच्चा हम लोग 10^9, अब सॉरी 9 का वर्गमूल 3 होगा तो 1/3, 0.64 का वर्गमूल 0.8 होगा, फिर गुड़े जो करड़ी में 21 लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 10×10^20 इतना 20। अब 10^20 का वर्गमूल 10^10 हो गया, 8×3=24, 2.4 हो गया, फिर गुड़े करड़ी में 10, करड़ी में 10 का मान होता है 3.16×2.4×10^10। 10 हटा दो तो ये हो गया 316/240×10^10। डिवाइड कर लेते हैं, भाग करके देखेंगे 240 से 316 में, तो एक बार जाएगा तो 240 6, 11 में से 4 गए 7, 10 बढ़ा दो 0, 2×3 6, अच्छा ये आ जाएगा लगभग 1.3×10^10 इतने इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? लगभग 1.3×10^10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहा गया है कि धातु के दो गोले हैं, ध्यान से सुनिए। आ जाओ, कहा गया है धातु के दो गोले हैं,
एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है, दोनों के द्रव्यमान एक का मास m1 एक का मास m2 कहा गया, दोनों के द्रव्यमान समान है, m1 और m2 दोनों 1 मिलीग्राम के, ठीक है, दोनों को 4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर? 4 मीटर की दूरी पर। कहा गया दोनों को, दोनों गोलों को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया था, दोनों गोलों को परस्पर रगड़ा जाता है, रगड़ने के बाद 4 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो कहा गया कि बताइए एक गोले से दूसरे गोले पर कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो कि इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का 10 गुना हो जाए। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज 10 टाइम्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का 10 गुना हो जाए, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10 गुना हो जाए, ये आपको फाइंड करना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ यही आपको निकालना है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए, कहा गया कि दो गोले हैं, दोनों गोलों के द्रव्यमान 1 मिलीग्राम, इनको परस्पर आपस में रगड़ा जाता है, तो रगड़ने के बाद इनको 4 मीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। कहा गया बताइए रगड़ने के बाद एक गोले से दूसरे गोले पर कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो कि इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10 गुना हो जाए। ओके, क्वेश्चन आ गया समझ में, तो वो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। आ जाओ हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले यहीं से हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमको दिया गया है इलेक्ट्रिकल फोर्स इज 10 टाइम मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये 10 × G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है? ग्रेविटेशनल फोर्स का, और ये किसका फार्मूला है? इलेक्ट्रिकल फोर्स का। क्लियर है? मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस ne और इस पर माइनस ne, तो ये हो गई वैल्यू q1 की और ये हो गई वैल्यू q2, इसकी वैल्यू हो गई 9 × 10⁻⁹ ne, तो ये हो गया n² × e² की वैल्यू हो जाएगी 2.56 × 10⁻³⁸। अच्छा, r स्क्वायर से तो r स्क्वायर मर जाएगा, इधर कितना बचा 10 × G 6.67 × 10⁻¹⁻, m1 × m2 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम, 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम या 10⁻⁶ किलोग्राम। तो 10⁻⁶ किलोग्राम, तो m1 10⁻⁶, m2 10⁻⁶ डिवाइड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू, आर तो कैंसिल हो गया, इसमें डिवाइड करना नहीं। ओके, देखते हैं बच्चों कुछ टर्म कैंसिल होंगे, जैसे 10⁹ से ये कैंसिल होगा 10⁻²⁹, ठीक है, ये हो गया 10⁻¹ से इसको कैंसिल करेंगे तो 10⁻⁸ हो जाएगा, 9 में से 1 गए 8, इतना, और 6 6 12 मतलब 12 12 से इसको कैंसिल कर दिया, 10⁻⁶ हो गया। क्लियर हो गया? इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया एन स्क्वायर इन टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 23.04 इज इक्वल्स, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 66.7, और जो इधर 10⁻⁶ था इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 10⁻⁶। एन स्क्वायर बराबर, इसको ऊपर ले जाओ, 66.7 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 23.04,
डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद ये हमको मिलेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स लगभग 2.87 नियरली इसके अबाउट मिलेगा इंटू 10 to the power 6। तो एन इज इक्वल्स इसका वर्गमूल हो जाएगा 2.87 इंटू 10 to the power 6, ये आएगा लगभग 1.7 इंटू 10 to the power 3 इतने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन का लगभग ट्रांसफर होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लीजिए। ओके मिटा दें आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ये अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में ये कहा है, ध्यान से समझिए कि दो गोले हैं, ध्यान से सुनो, एक दो कण है, एक कण जिस पर आवेश है 2 माइक्रो कूलम, एक दूसरा पार्टिकल है इस पर चार्ज है माइनस, इस पर चार्ज है 6 माइक्रो कूलम, एक इस पर चार्ज है 2 माइक्रो कूलम, एक इस पर चार्ज है 6 माइक्रो कूलम। कहा गया ये दोनों एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए। सॉरी मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से बताता हूं, फिर से सुनो। दो गोले हैं, एक पर 2 माइक्रो कूलम का आवेश है, एक पर 6 माइक्रो कूलम का आवेश है। ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए, डिस्टेंस हमको नहीं पता। कहा दिया गया इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है 4 न्यूटन का। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, दो कण हैं, दो कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, दोनों पर चार्ज है, एक पर 2 माइक्रो कूलम, एक पर 6 माइक्रो कूलम, और उस समय दोनों के बीच फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का। कहा दिया गया अगर हम इन दोनों को, अगर हम इन दोनों को, ये तो केस फर्स्ट में इतना दिया गया, फिर कहा गया कि अगर हम इन दोनों कणों को, एक पर 2 माइक्रो कूलम था इसको और एक पर 6 माइक्रो कूलम था इसको, इसको भी -4 माइक्रो कूलम आवेश और दे दें और इसको भी -4 माइक्रो कूलम आवेश और दे दें, तो दोनों को जब -4 -4 माइक्रो कूलम आवेश और दे देंगे और इनके बीच की डिस्टेंस उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, पहले मान लो आर है तो अभी भी डिस्टेंस आर ही है, तो कहा गया कि अब इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। क्वेश्चन को समझ पाए आप लोग, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। दो कण, एक पर चार्ज है 2 माइक्रो कूलम और एक पर है 6 माइक्रो कूलम, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर थे, इनके बीच फोर्स लग रहा था 4 न्यूटन। कहा दिया गया कि इन, अब ये कहा दिया गया कि इन दोनों गोलों को, सॉरी इन दोनों कणों को अगर हम -4 -4 माइक्रो कूलम आवेश और दे दें और दोनों कणों के बीच की दूरी उतनी ही रहे, तो बताओ कि अब इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। सवाल आ रहा समझ में? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आ जाइए पहले यहाँ पे देखते हैं पहले वाले केस से, क्योंकि कूलाम का नियम अप्लाई करो, EF is equals 1/4πε0Q1Q2/R2। EF की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻¹। Q1 Q2, ये Q1 है 2 माइक्रो कूलम, तो कूलम में बदल देंगे तो 1×10⁻¹, और ये 6 माइक्रो कूलम तो 6×10⁻¹। बटे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू नहीं पता है तो आर स्क्वायर कर दो बच्चा, आर स्क्वायर यहाँ कर दो, 4 को इधर कर दो, तो आर स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा 6 × 12, 12 × 9 = 108, फिर 10⁻¹, ये इससे कैंसिल होगा तो 10³, ये इससे कैंसिल होगा तो 10³³, ये हो गया 10³³, और बटे ये 4 इधर चला आएगा तो 4। क्लियर हो गया, 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 4 से अगर काटेंगे तो 4 × 8, 4 × 7 = 28, 4 × 8, 4 × 7 = 28,
तो यहां से हमको मिल गया आर स्क्वायर बराबर 27 गुणे 10 की घात ऋण 3, रिलेशन मिल गया। ओके, दूसरे वाले केस में कहा गया कि अगर इसको दो माइक्रोकुलाम वाले को -4 माइक्रोकुलाम चार्ज और दे दें, तो 2 माइक्रोकुलाम था, -4 माइक्रोकुलाम और दे दिया, तो कितना चार्ज हो गया? -2 माइक्रोकुलाम। उसी तरीके से Q2 को, जिसकी वैल्यू 6 माइक्रोकुलाम थी, इसको -4 माइक्रोकुलाम और दे दिया, तो इसके पास टोटल चार्ज कितना हो गया? 2 माइक्रोकुलाम। डिस्टेंस उतनी ही, मतलब आर की वैल्यू उतनी ही है, तो कितना फोर्स हो जाएगा? तो F की वैल्यू 1/4πε0 × Q1 Q2 r2। Q1 2 माइक्रोकुलाम, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला, तो F इज इक्वल्स 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 बोलो, Q1 2 माइक्रोकुलाम तो 2 × 10⁻³ है, Q2 2 माइक्रोकुलाम तो 2 × 10⁻³ है, बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है? 27 × 10⁻³। ये इससे कैंसिल हुआ, 10⁻³, 6 × 3 = 9, 10⁻⁹ कट कट गया, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, ये हो गया 2 × 2 = 4, तो F बराबर हो गया 4/3। एक बार फिर से मिला लेते हैं, नौ दो, दो दो नी चार, ठीक है, 9 × 3 = 27, ये हो गया 4, 4/3, और 3 से भाग कर देंगे तो 1.33 न्यूटन, ये इतना इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके, एक बार क्वेश्चन को मिला लीजिए अच्छे से, समझ में आ गया? आ जाओ बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा सवाल है इस बार वाला, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, पहले सवाल समझिए, सवाल में क्या कहा जा रहा है, सवाल समझ में आ जाएगा तो सोल्यूशन आसान होगा समझना। चलिए ध्यान से बच्चों, इस सवाल को लगाने के लिए जो थ्योरी चाहिए, जो एक कॉन्सेप्ट चाहिए, वो मैं आपको बता दूं कि मान लो कि दो गोले हैं, एक गोला है A, इस पर चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम का, एक दूसरा गोला है, इस पर चार्ज है 6 माइक्रोकुलाम का। अगर मैं दोनों को किसी तार से जोड़ दूं, अथवा दोनों को टच करा के, स्पर्श करा के फिर से अलग कर दूं, तो जैसे ही इन दोनों गोलों को मैं आपस में टच कराऊंगा, कांटेक्ट में लाऊंगा या किसी तार से जोड़ दूंगा, ऐसी सिचुएशन में होगा ये कि यहां पर आवेशों का पुनर्वितरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस या आवेशों के पुनर्वितरण के बाद दोनों गोलों पर चार्ज की क्वांटिटी सेम हो जाएगी, दोनों गोलों पर चार्ज की क्वांटिटी सेम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? सपोज ये Q1 है और ये Q2 है, तो जब इनको टच करा देंगे तो टच कराने के बाद दोनों पर चार्ज की क्वांटिटी सेम हो जाएगी, और जो नेट चार्ज होगा दोनों गोलों पर वो होगा Q1 + Q2/2। तो Q1 + Q2 2 माइक्रोकुलाम + 6 माइक्रोकुलाम / 2, 6 × 2 = 8, 8/2 मतलब 4 माइक्रोकुलाम दोनों पर, इस पर भी 4 माइक्रोकुलाम हो जाएगा, इस पर भी 4 माइक्रोकुलाम। क्लियर हुआ? ओके, यहां पर चार्ज को विथ साइन होगा। अच्छा, अभी मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, उसको समझिए। कहा दिया गया एक कोई कण है, इस कण पर चार्ज है -20 माइक्रोकुलाम, एक दूसरा कण है, इस पर चार्ज है 8 माइक्रोकुलाम। इन दोनों को मैं परस्पर एक तार से जोड़ देता हूं, तो जैसे ही तार से जोड़ा जाएगा चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों पर चार्ज की क्वांटिटी सेम हो जाएगी, तो कितना कितना चार्ज हो जाएगा दोनों पर?
अब क्यू नेट कैसे निकालते हैं, क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइड बाई टू, तो ये क्यू वन हो गया और ये क्यू टू हो गया। क्यू वन की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस 20 माइक्रोकूलम, और क्यू टू की वैल्यू 8 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई टू, माइनस 20 प्लस 8 माइनस 12 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई टू, ये आ गया माइनस 6 माइक्रोकूलम, माइनस 6 माइक्रोकूलम। आ गया समझ में? तो जब भी दो गोलों को, अगर वो चार्ज्ड है, आवेशित गोले हैं, उनको हम आपस में संपर्कित करते हैं, तो संपर्कित करने के बाद आवेश का पुनर्वितरण हो जाता है। अगर इसमें ऐसा एक गोला आवेशित हो और एक गोला आवेशित नहीं हो, तब क्या होगा, तब भी वही चीज होगी। सपोज एक गोला ए है, एक गोला बी है, इस पर चार्ज है क्यू, ये निरावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित है या निरावेशित है, अनावेशित गोला या निरावेशित गोला मतलब चार्ज जीरो है, तो इस पर चार्ज कितना है, जीरो। आगे इनको परस्पर संपर्क करा के, या तो टच करा के या फिर एक तार से जोड़ दिया जाता है, तो जब तार से जोड़ देंगे तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ए और बी पर, दोनों पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो क्यू नेट बराबर क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, क्यू वन क्यू है, क्यू टू जीरो बाई टू मतलब क्यू बाई टू, इस पर भी चार्ज क्यू बाई टू, इस पर भी चार्ज क्यू बाई टू। आ गया समझ में? एक और एग्जाम्पल लीजिए बच्चा। जैसे मान लो आप कि आपसे ये कहा गया है कि दो तीन गोले हैं, एक गोला है ए, एक गोला है बी, गोले ए पर आवेश है क्यू, गोले बी पर आवेश है थ्री क्यू, ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। अब आपसे ये कहा दिया गया कि एक कोई तीसरा गोला है सी, ये कोई तीसरा गोला है सी, तीसरा गोला है सी, गोले सी को पहले ए से स्पर्श कराते हैं, फिर ए से स्पर्श कराने के बाद, पहले ए से स्पर्श कराते हैं, ए से स्पर्श कराने के बाद फिर बी से स्पर्श कराते हैं, और फिर दोनों के बीच में रख देते हैं। तब अब बताओ कि तीनों गोलों पर कितना कितना चार्ज हो जाए, तो चार्ज कैसे निकालेंगे, पहले ए पर कितना गोला था, सॉरी गोले ए पर कितना आवेश था क्यू, बी पर कितना आवेश था थ्री, सी पर कोई आवेश नहीं है, ये अनावेशित है। अब अगर ये अनावेशित है तो इस वाले गोले को जब हम ए से संपर्क कराएंगे, ए से टच कराएंगे, तो दोनों के बीच चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो नेट चार्ज यहां पर कितना हो जाएगा, क्यू नेट बराबर क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, इस पर चार क्यू, इस पर चार जीरो, तो क्यू प्लस जीरो बाई टू मतलब क्यू बाई टू ऑन ईच, तो इस पर भी चार्ज टच कराने के बाद, आफ्टर टचिंग टचिंग ए एंड बी, ए और बी को जब हम आपस में टच कराएंगे, तो ए पर कितना चार्ज आ गया क्यू बाई टू, बी पर कितना चार्ज आ गया क्यू बाई टू। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब कहा गया कि सॉरी ए और सी को टच कराया गया है, ए और सी को, तो ए पर कितना चार्ज आ गया क्यू बाई टू, बी सी पर कितना चार्ज आ गया क्यू बाई टू, दोनों पर चार्ज सेम आ गया। कहा गया कि अब सी को, अब गोले सी को बी से टच कराया जाता है, गोले सी को बी से टच कराया जाता है, पहले इसे टच करा दिया गया, अब इससे टच कराया जाता है, तो जब इससे टच कराने जाएंगे, तो अब सी पर, अब सी वाले गोले पर चार्ज जीरो नहीं है, अब इस पर कितना आ चुका है क्यू बाई टू, और बी पर कितना चार्ज है थ्री क्यू, इस पर थ्री क्यू चार्ज है थ्री क्यू, और इस पर क्यू बाई टू। अब इन दोनों पर जब इन दोनों को टच कराएंगे तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो क्यू नेट कितना हो जाएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, इसका मान कितना है क्यू बाई टू, और इसका मान कितना है थ्री क्यू बाई टू, तीन दूनी छह, छह क्यू प्लस क्यू मतलब सात क्यू बटे चार, तो सेवन क्यू बाई फोर, ये दोनों पर चार्ज हो जाएगा। मतलब ए पर इतना चार्ज हो गया, सी पर तो पहले जब शुरू में टच कराया गया था, शुरू में केस फर्स्ट में जब हमने ए और सी को टच कराया, तो ए और सी पर इतना इतना चार्ज हो गया। फिर इसके बाद केस सेकंड में जब हमने
सी को और बी को टच कराया, तो सी और बी को टच कराने के बाद अब चार्ज कितना कितना हो गया, सी पर कितना चार्ज हो गया 7q/4, बी पर कितना चार्ज हो गया 7q/4, q/2 + 3q। अब दोनों को ऐड करके जब डिवाइड करेंगे तो q/2 + 3q तो एलसीएम हो जाएगा 2, द्वितीय 6q + 7q, 7q/4, दोनों पर इतना चार्ज हो गया। मतलब ओवरऑल सबको अब पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अगर मैं बोलूं ए बी और सी पर कितना कितना चार्ज आया, तो ये गोला ए, ये गोला बी और ये गोला सी है। ए पर कितना चार्ज हो गया, तो ए पर तो चार्ज q/2, ठीक है। बी और सी पर कितना चार्ज आ गया, बी पर चार्ज आ गया 7q/4, और सी पर, बी और सी पर दोनों पर कितना कितना चार्ज आ गया 7q/4। क्लियर हो गया, कोई डाउट है? थोड़ा सा प्रोसेस इधर उधर हो गया, बट ये इसका सही तरीका है। अच्छे से इसको समझिए कि कैसे कैसे चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अभी मैं इस पर ट्यूशन कराऊंगा, तो ट्यूशन कराने से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। ओके, आ जाओ बच्चों, अब क्वेश्चन लेते हैं। इस पे जितने क्वेश्चन मिलेंगे सब मजेदार सवाल होंगे, देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन इस पर जो थ्योरी अभी हम लोगों ने सीखा है, ये मान लो दो गोले हैं, आ दिया गया एक गोला है ए और एक गोला है बी। ए पर, ए गोले ए पर चार्ज है क्यू, और बी पर, गोले बी पर जो चार्ज है वो है सपोज -3q। ए पर कितना चार्ज है क्यू, बी पर कितना चार्ज है -3q। ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए, ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी सपोज r डिस्टेंस पर रखे गए। तो एक प्लस है एक माइनस है, तो इनके बीच शुरू में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, आकर्षण बल काम करेगा। सपोज वो आकर्षण बल है F1, ठीक है। ये हमको शुरू में बताया गया है, कहा गया इन दोनों गोलों को परस्पर स्पर्श करा के पहले से आधी दूरी पर रख देते हैं। क्वेश्चन फिर से सुनिए, दोनों गोलों को परस्पर स्पर्श करा के पहले से आधी दूरी पर रख देते हैं। जब हम दोनों को स्पर्श करा देंगे, टच करा देंगे, तो टच कराने के बाद अब दोनों गोलों पर कितना कितना चार्ज हो जाएगा, तो आंसर है क्यू नेट निकाल लो। क्यू नेट q1 + q2/2, q -3q/2, -2q/2, दैट मीन्स -q आनी चाहिए। तो इस पर भी -q चार्ज, इस पर भी -q चार्ज, और इन दोनों को पहले से आधी दूरी पर रख दिया जाता है। पहले r डिस्टेंस पर थे, अब r/2 डिस्टेंस पर रख दिया, ठीक है। अब जब ये दोनों पर माइनस माइनस वाला चार्ज आ गया, तब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब मान लीजिए कि इस पर फोर्स लगता है F2, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है F2, तो हमसे ये कहा गया कि F2 F1 का कितने गुना हो जाएगा, F2 F1 का कितने गुना हो जाएगा, F2 F1 का कितने गुना हो जाएगा, ये हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको समझा पाया हूं, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। अच्छा, दो गोला था ए और बी, दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर सपोज रखे गए थे। एक पर चार्ज था क्यू, एक पर चार्ज था -3q। कहा गया इस समय इनके बीच फोर्स है F1। अब कहा दिया गया कि दोनों गोलों को परस्पर स्पर्श कराया गया, दोनों गोलों को परस्पर स्पर्श करा दिया जाता है। स्पर्श कराने के बाद पहले जितनी दूरी पर थे उससे आधी दूरी पर रख दिया जाता है। तो जब टच कराने के बाद रखा गया, तो अब दोनों गोलों के बीच लगने वाला फोर्स है F2। कहा गया कि ये F2 वाला फोर्स F1 का कितने गुना हो जाएगा, F2 F1 का कितने गुना हो जाएगा, ये हमको फाइंड करना है।
क्वेश्चन आ गया समझ में? ओके आ जाइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है शुरू में बच्चों अगर मैं F1 का रिलेशन बनाऊं तो F1 किसके बराबर होगा? अब से क्वेश्चन को आप जानते रहो, मैं बार बार 1/4πε0 नहीं लिखने वाला, उसके स्थान पे सीधे उसकी वैल्यू पुट अप करने वाला। तो F1 कितना हो जाएगा 9×10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 Q1 Q इंटू 3Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बच्चा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9×10⁻⁹ इंटू 3Q² डिवाइड बाई आर स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखिए 3×9×10⁻⁹ इंटू Q² बटे आर स्क्वायर। ये हो गया F1 इक्वेशन फर्स्ट। कोई डाउट किसी को? ओके आ जाइए दूसरे वाले केस में चलते हैं। दूसरे केस में अगर हम F2 की वैल्यू निकालें तो ये तो केस फर्स्ट से था, केस सेकंड से अगर हम F2 निकालें तो F2 किसके बराबर होगा? F2 हो जाएगा 9×10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 दोनों बराबर हो गए, दोनों माइनस क्यू के बराबर है तो माइनस क्यू गुड़े माइनस क्यू या क्यू गुड़े क्यू बराबर कितना होगा Q² डिवाइड बाई, अब डिस्टेंस पहले की आधी हो गई है तो R/2 का स्क्वायर मतलब R² बटे 4 होगा तो 4 ऊपर चला गया। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं F2 बराबर 4 पहले लिख लो 9×10⁻⁹ फिर गुड़े Q² बटे R² इक्वेशन सेकंड। क्या करो F2 F1 का कितने गुना हो जाएगा तो आप क्या करो सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो। तो सेकंड क्या है F2 और फर्स्ट में F1, F2 की वैल्यू 4 9×10⁻⁹ इंटू Q² डिवाइड बाई R² डिवाइड F1 कितना है 3 9×10⁻⁹ इंटू Q² डिवाइड बाई R², ये इससे मर गया, ये मिल गया 4/3 तो F2/F1 बराबर 4/3 या 1.33 F2/F1 इतना हो गया। F1 को इधर कर दीजिए तो F2 = 1.33 F1 मतलब F2 F1 का 1.33 गुना हो जाएगा, F2 F1 का 1.33 गुना हो जाएगा। क्लियर हो गया? मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में? ठीक है अब ऐसे ही एकदम मजेदार सवाल लेते हैं ये वाला, आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। बच्चों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, फिर उस पर कूलम्ब के नियम पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पर पहले उसके पहले हम लोग समझना पड़ेगा सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। आ जाइए ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, इस बार वाला सवाल और इंटरेस्टिंग है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं इसके बाद तक फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए लिखा है दो गोले ए व बी जिन पर आवेश क्रमशः क्यू तथा 2Q है परस्पर 4 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक तीसरा अनावेशित गोला सी पहले ए या बी को ही चाहे जिसको पहले बी को
ए को स्पर्श करा के स्पर्श करता है जिसे स्पर्श करता है जिसे जिसे स्पर्श करा के स्पर्श करा के गोलों ए व बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है, रख दिया जाता है गोले सी पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। वैसे तो बच्चों फिजिक्स में लैंग्वेज बहुत मायने रखती है, बट क्वेश्चन में हमने जल्दबाजी में इधर उधर अगर लैंग्वेज कर दिया तो उसके लिए आप समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए ट्यूशन क्या कहा जा रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में ट्यूशन को लिखा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। दो गोले ए व बी जिन पर आवेश क्रमशः क्यू तथा टू क्यू है परस्पर 4 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक तीसरा अनावेशित गोला सी पहले बी को फिर ए को स्पर्श करता है, जिसे स्पर्श करा के गोलों ए व बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन आ गया समझ में? ओके, अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल है, बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन लगाने में। तो बच्चों पहले कहा गया गोले ए और बी, पहले केस केस फर्स्ट में ये है गोला ए, ये गोला ए है और ये है गोला बी। बच्चों गोला बी, गोले ए पर चार्ज था क्यू, गोले बी पर चार्ज है टू क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज आर है। ठीक है, इस समय इनके बीच जो फोर्स लगता है वो है 4 न्यूटन, ये हमसे कहा गया। तो हम लोग पहले रिलेशन बना लेते हैं कि इस फर्स्ट से फोर्स का फार्मूला एफ बराबर 1/4 π ε₀ की Q1 Q2 R² से एफ की वैल्यू है 4, 1/4 π ε₀ की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 Q2 2Q × Q मतलब 2Q² / R² ठीक है। R² को इधर कर दीजिए, 4 को इधर कर दीजिए, पहले तो 2 से ये मर जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 को इधर करो, आर को इधर कर दो, तो R² बराबर ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ Q² / 2। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर हो गया? ओके, अब केस सेकंड देखते हैं। यहां पे देखते केस सेकंड कहा गया बच्चों कि एक तीसरा अनावेशित गोला सी पहले बी को स्पर्श करता है। एक गोला है सी, अनावेशित है मतलब इस पर चार्ज है जीरो, ये पहले बी को स्पर्श करता है गोला बी, गोले बी पर कितना चार्ज है टू, इसको स्पर्श करता है। अगर दोनों को स्पर्श कराएंगे, टच कराएंगे, तो टच कराने के बाद दोनों पर चार्ज कितना कितना हो जाएगा, Q1 + Q2 / 2, 0 + 2Q / 2 मतलब क्यू क्यू, कितना चार्ज हो जाएगा 2Q + 0/2 = Q, मतलब टच कराने के बाद सी वाले गोले पर कितना चार्ज आ गया क्यू और बी वाले गोले पर कितना चार्ज आ गया क्यू। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक स्थिति बना लेते हैं ए की बी की और सी। तो सी वाला सॉरी सी को बीच में रखा जाता है, तो ए सी और बी, बच्चों बी से तो टच हो गया है, बी पर चार्ज क्यू हो गया है, अभी ए और सी के बीच टचिंग बाकी है, तो इसको भी अब टच करा लेते हैं। केस थर्ड देखिए, अब कहा गया है
सी ने पहले बी को आवेशित, बी को टच किया, फिर ए को टच करता है, तो सी वाला गोला जब बी से टच कर चुका था तो सी पर कितना चार्ज आ गया था, क्यू, और ए वाला जो गोला है ए पर शुरू से ही कितना चार्ज है, क्यू। दोनों को फिर से टच कराया गया, जब दोनों को टच करा दिया गया तो अब कितना कितना चार्ज होगा, तो क्यू नेट इज इक्वल्स क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, ये हो गया, तो कितना हो जाएगा टू क्यू बाई टू, दैट मीन्स कितना कितना चार्ज होगा, क्यू क्यू चार्ज आने, मतलब ए पर कितना चार्ज हो गया क्यू के बाद क्यू चार्ज, और सी पर भी कितना चार्ज रहेगा क्यू क्यू, तो दोनों पर कितना कितना चार्ज रहेगा क्यू क्यू, और इस पर भी कितना चार्ज है क्यू, क्लियर हो गया, ठीक है। अब कहा गया ए और बी जो कि पहले आर डिस्टेंस पर थे, गोले सी को, गोले सी को स्पर्श करा के गोले सी को ए व बी के ठीक बीच में रख दिया, तो अगर ये बीचों बीच हो गया, ए और बी के बीच की दूरी आर थी, तो ए और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आर बाई टू, और बी और सी के बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी, आर बाई टू, ठीक। सी पर लगने वाला नेट बल हमको ज्ञात करना है, सी पर लगने वाला नेट बल, तो गोले सी पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। बच्चों हम मान लेते हैं कि गोले ए ने सी को, गोले ए ने सी को एफ वन बल से धकेला, ए वाला गोला सी वाले गोले को एफ वन बल से धकेल रहा है, क्योंकि इस पर भी चार्ज क्यू है, इस पर भी चार्ज क्यू है, तो प्रतिकर्षण होगा, तो ये ए वाला सी वाले को दूर धकेलेगा, तो दूर धकेलेगा, तो हमने मान लिया ए ने सी को एफ वन बल से दूर धकेला, ए द्वारा सी पर लगाया गया बल मान लेते हैं एफ वन है, ए द्वारा सी पर लगा बल कितना है एफ वन, तो एफ वन कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू दोनों चार्ज क्यू वन इंटू क्यू टू, मतलब क्यू गुणे क्यू क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आर बाई टू है, तो आर स्क्वायर बटे दो का स्क्वायर चार इतना हो गया। आर स्क्वायर का मान हम लोग समीकरण एक से निकाल चुके हैं, समीकरण एक से वैल्यू पुट अप कर लीजिए, तो एफ वन बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू स्क्वायर फिर गुणे चार बटे आर स्क्वायर कितना है 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू स्क्वायर बटे दो था तो दो ऊपर चला जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी इससे मर गई, कितना हो गया 4 दुनी 8 एफ वन बराबर कितना हो गया 8। इसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चा, डायरेक्शन के बारे में भी हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, डायरेक्शन बोलो ए सी को किधर धकेलेगा, इधर दूर, क्योंकि इस पर और इस पर दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, तो ए सी को दूर धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जब इधर धकेलेगा तो इधर वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, ए से सी की तरफ, और ए से सी की तरफ की डायरेक्शन को हम लोग दिखाते हैं वेक्टर ए से, ए से सी की, हो गया क्लियर, ठीक। अब बी द्वारा सी पर लगा बल, बी द्वारा सी पर लगा बल मान लो F2 है, ये भी Q है, ये भी Q है, दोनों समान चार्ज है, तो B वाला भी C वाले को इधर धकेलेगा, तो जब इधर धकेलेगा तो किस बल से धकेलेगा उसको निकाल लेते हैं, F2 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 फिर गुणे Q स्क्वायर Q1 Q2 Q स्क्वायर फिर गुणे Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आर बाई टू है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर बटे चार, आर स्क्वायर की वैल्यू समीकरण एक से पुट अप कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एफ टू बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू स्क्वायर गुणे चार बटे कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे क्यू स्क्वायर बटे दो है तो दो ऊपर चला जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी इससे मर गई, एफ टू बराबर फिर से कितना आ गया 8 न्यूटन। लेकिन इस F2 की डायरेक्शन आप देखो, इसकी डायरेक्शन आप देखो किधर किधर होगी, तो B ने C को इस प्लस वाले ने इस प्लस वाले को इधर धकेला, जब इधर धकेला मतलब B से C की तरफ इधर धकेलना है, तो B C के अनुदिश होगी। अब बच्चा यहां पे देखो, ये है गोला C, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा 8 न्यूटन का, F2 है,
और ये फोर्स इधर लग रहा है या पवन, ये भी 8 न्यूटन का है। और मैं पूछूं बताओ इस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, एक आदमी है कोई, एक आदमी को कोई दूसरा आदमी इधर खींच रहा है 8 न्यूटन के बल से, और 8 न्यूटन के बल से इधर खींचा जा रहा है, तो उस पर टोटल कितना फोर्स लगेगा? 0, वहीं रहेगा, कहीं नहीं चलेगा। तो उसी तरीके से ये गोला सी कहीं नहीं जाएगा, जहां वहीं पड़ा रहेगा। इस पर नेट फोर्स कितना हो गया, परिणामी बल कितना हो गया? 0। 8 - 8 = 0। मजा आया सवाल लगाने में? ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से देख लो, ठीक है? ओके, हम लोग आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और क्वेश्चन को खूब बढ़िया से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।